राजस्थान में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा में सोमवार को जयपुर के केंद्र पर दूसरी पारी में पीछे के गेट से एंट्री देने पर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को तय समय के घंटे बाद भी एंट्री दी गई। ऐसे में जिनको एंट्री नहीं मिली उन स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। सांगानेर के मतरामपुरा में केसर इंटरनेशनल स्कूल में यह विवाद हुआ। राज्य में तीसरे दिन आज लेवल 2 के 2 पेपर आयोजित हो रहे। सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में संस्कृत का एग्जाम हुआ। चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। दूसरी पारी में इंग्लिश का पेपर दोपहर में 3 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5:30 तक आयोजित होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा सिर्फ जयपुर के 176 केंद्र पर ली जा रही है। इनमें 118,086 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जयपुर जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को टोंक में बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जहां एक सेंटर पर दूसरी पारी के हिंदी के पेपर कम पड़ गए थे। वहीं उदयपुर में एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया था। दरअसल टोंक के विवेक कॉलेज में दूसरी पारी में परीक्षा के दौरान पेपर कम पड़ने से अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था। 2 कमरों में पेपर 3:30 पहुंचा था। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से बाहर आ गए थे और नारेबाजी करने लगे थे। अभ्यर्थियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी। इसके बाद कलेक्टर चिन्मय गोपाल मौके पर पहुंचे और फिर से पेपर करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद नाराज अभ्यर्थियों ने विरोध खत्म कर सेंटर के करीब इसके बाद नाराज अभ्यर्थियों ने विरोध खत्म किया था। सेंटर के करीब 540 परीक्षार्थियों की परीक्षा शाम 5 से 7:30 तक कराई गई थी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन की ओर से खाने और घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी की गई थी।